नमस्कार, मैं प्रिया। साप्ताहिक रोजगार समाचार में आपका स्वागत है। आज साप्ताहिक रोजगार समाचार में हम बात करेंगे एनसीआर, सीजीपीईबी, यूपीसीएल, एचएएल, एनएचएम, आईजीएमसी, जीआईसी, आईसीएफआरई, एएफआरआई, एनएमडीसी, डीएसआरवीएस, इंडिया पोस्ट, ओपीएससी की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है एक्ट अप्रेंटिस। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 480 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों का 10वीं पास होना या आईटीआई रेलेवेंट ट्रेड में होना अनिवार्य है। इसके साथ ही अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो 15 से 24 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यूआर ओबीसी को 170 रुपए, एससी एसटी महिला और पीडब्ल्यूडी को 70 रुपए देने होंगे। इसके साथ ही अगर हम आखिरी तारीख की बात करें तो 16 अप्रैल 2021 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट ncr.indianrailways.gov.in पर जाकर आप आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड सीजीपीईबी की तरफ से निकाली गई के बारे में। पद का नाम है मंडी इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 168 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास ग्रेजुएशन रेलेवेंट सब्जेक्ट में होना अनिवार्य है। इसके साथ ही अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो 21 से 35 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यूआर को 350 रुपए, ओबीसी को 250 रुपए, एससी एसटी पीएच को 250 रुपए। आखिरी तारीख 4 अप्रैल 2021 की तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप cgvyapam.choice.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपीसीएल की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है असिस्टेंट इंजीनियर, अकाउंट्स ऑफिसर, लॉ ऑफिसर, पर्सनल ऑफिसर, सीनियर इंडस्ट्रियल इंजीनियर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 105 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास पीजी या बीटेक या बीई या एलएलबी या सीए या आईसीडब्ल्यूए या एमबीए या ग्रेजुएशन रेलेवेंट डिसिप्लिन में होना अनिवार्य है। इसके साथ ही अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो सभी श्रेणी के लिए जो 21 से 42 साल तय की गई है। इसके साथ ही अगर हम एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 800 रुपए, एससी एसटी जो कि सिर्फ उत्तराखंड के रहने वाले हैं उनके लिए 400 रुपए और बाकी सभी दूसरे लोगों को 800 रुपए देने होंगे। इसके साथ ही अगर हम आखिरी तारीख की बात करें तो 26 अप्रैल 2021 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.upcl.org पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है डिजाइन एंड मैनेजमेंट ट्रेनी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 100 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में या इसके समकक्ष कोई डिग्री होना अनिवार्य है। इसके साथ अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो अधिकतम उम्र सीमा 28 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो सभी दूसरे श्रेणी के लोगों को 500 रुपए देना होगा और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। इसके साथ ही आखिरी तारीख 5 अप्रैल 2021 की तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप hal-india.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम मध्य प्रदेश की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है सीपीएससी कंसल्टेंट डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी मॉनिटर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को कर रिक्तियों की कुल संख्या 102 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास बीएससी या बीडीएस या एमबीबीएस या बीएएमएस या एमसीएच या एमपीएचडब्ल्यू या पीजी डिप्लोमा या आयुष डिग्री या फिर पीजी इन रेलेवेंट डिसिप्लिन का होना अनिवार्य है। इसके साथ ही अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो 21 से 44 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आवेदकों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख 15 अप्रैल 2021 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप nhm.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज आईजीएमसी शिमला की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है सीनियर रेजिडेंट ट्यूटर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 227 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास डीएनबी या एमएस या एमडी या पीजी डिप्लोमा या एमडीएस या डीएनबी रेलेवेंट डिसिप्लिन में होना अनिवार्य है। इसके साथ ही अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो अधिकतम उम्र सीमा 45 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यूआर को 1500 रुपए और एससी एसटी ओबीसी को 1000 रुपए देने होंगे। आखिरी तारीख 5 अप्रैल 2021 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट बात करें तो आप www.igmcshimla.edu.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जीआईसी की तरफ से निकाले गए रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है असिस्टेंट मैनेजर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 44 है। जहां तक डिसिप्लिन की बात है तो फाइनेंस, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जनरल, लीगल, इंश्योरेंस। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास बैचलर्स डिग्री 60% अंकों के साथ या फिर लॉ ग्रेजुएट या पीजी डिग्री या फिर डिप्लोमा जनरल इंश्योरेंस में या रिस्क मैनेजमेंट
इन्वेस्टमेंट या LIC या FIII या FCIL 60% अंकों के साथ अनिवार्य होना जरूरी है। इसके साथ ही अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो 21 से 30 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो UR OBC को ₹850, SC ST PH और महिलाओं को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख 29 मार्च 2021 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.gicofindia.com पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ICFRE एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन LDC फॉरेस्ट गार्ड MTS। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या फिलहाल साझा नहीं की गई है। इसके साथ ही अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास BSc केमिस्ट्री एग्रीकल्चर या 10वीं पास होना, ITI इलेक्ट्रीशियन में या प्लम्बर में या 10+2 पास होना जिसमें टाइपिंग स्पीड आपकी 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए अंग्रेजी में और 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए हिंदी में या फिर 10+2 साइंस के साथ होना अनिवार्य है। इसके साथ ही अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल और अधिकतम उम्र सीमा 30 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो UR OBC को ₹450, SC ST PH और महिलाओं को ₹150। आखिरी तारीख 23 अप्रैल 2021 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप afri.icfre.org पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे NMDC लिमिटेड की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है फील्ड अटेंडेंट मैकेनिकल मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल ब्लास्टर ग्रेड 2 MCO ग्रेड 3। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 304 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास मिडिल पास या फिर ITI या मैट्रिक या डिप्लोमा रेलेवेंट डिसिप्लिन में होना साथ ही साथ अनुभव का होना भी अनिवार्य है। इसके साथ ही अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 30 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो UR OBC को ₹150 और सभी श्रेणी के लोगों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख 15 अप्रैल 2021 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.nmdc.co.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे डिजिटल शिक्षा एंड रोजगार विकास संस्थान DSRVS की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है ब्लॉक प्रोग्राम सुपरवाइजर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 138 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। इसके साथ ही अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 37 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो UR OBC EWS को ₹500, SC ST PH को ₹350। आखिरी तारीख 15 अप्रैल 2021 की तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.dsrvsindia.ac.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे इंडिया पोस्ट की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है ग्रामीण डाक सेवक GDS। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 1137 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास 10वीं पास होना अनिवार्य है। इसके साथ ही कंप्यूटर का ज्ञान होना भी अनिवार्य है। अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 40 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो UR OBC EWS को ₹100, SC ST PWD को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा और बाकी सभी श्रेणी की महिलाओं को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख 7 अप्रैल 2021 की तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो apppost.in/gds/online/home.aspx पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद हम आखिर में बात करेंगे ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन OPSC की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है साइंटिफिक ऑफिसर ग्रुप 2। डिसिप्लिन की बात करें तो टॉक्सिकोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स बैलिस्टिक्स बायोलॉजी सेरोलॉजी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 22 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास मास्टर्स डिग्री रेलेवेंट सब्जेक्ट में 60% अंकों के साथ होना अनिवार्य है। इसके साथ ही अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो 21 से 32 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो SC ST PWD को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा और बाकी सभी श्रेणी के लोगों को ₹400 आवेदन शुल्क के रूप में देना होगा। आखिरी तारीख 5/4/2021 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.opsc.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही साप्ताहिक रोजगार समाचार में आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।